सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो मेरे तरफ से आप सभी को, मेरे YouTube फैमिली को हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप आगे बढ़ते रहिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। तो आज फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है। सभी चैनल में देख रहा हूँ मैं कि उसमें वीडियो बना रहे कि वैकेंसी अप्रैल 2023 में आने वाली है, मतलब इस मंथ, आफ्टर दिस मंथ, मतलब अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल में वैकेंसी आने वाली है एलपीओ टेक्नीशियन का। तो इसके ऊपर ए टू जेड फुल डिस्कस होने करने वाला हूँ अभी इस वीडियो में। तो आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आपको पूरा डिस्कस करूँगा कि सही में क्या वैकेंसी 2023 में आने वाली है अप्रैल में, अगले महीने। तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें कुछ कुछ जानने को मिलेगा कि वैकेंसी कब आएगी और क्या होगा इसके बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वैकेंसी 2023 में क्या अप्रैल में आने वाला है, तो इसके ऊपर अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए, मैं बहुत पोस्टेड हूँ वहाँ पे 2023 और 2024 में बहुत सारे रिटायरमेंट होने वाला है, और ऐसे बाकी और भी जोन है, जैसे आरआरबी, टोटल 21 आरआरबी बोर्ड है। तो हर जोन में, हर डिवीज़न से आपके बहुत सारे सीनियर मोस्ट लोको पायलट रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो उनके जब वो रिटायरमेंट होंगे तो उनका सीट भी खाली होगा। तो जो भी सीनियर मोस्ट लोको पायलट है उनका प्रमोशन होगा। तो इससे क्या होगा कि नीचे वाले ऊपर एक बाई एक स्टेप ऊपर जाएंगे। तो जो भी चैनल वाले वीडियो बना रहे हैं कि वैकेंसी अप्रैल में आ जाएंगे, उन लोगों का मतलब वो अपने व्यू के लिए बना रहे हैं, और उनका जो प्रमोशनल कोर्स है वो सारे पेड कोर्स वो सारे स्टूडेंट ले लें, इसलिए वजह से वो वीडियो बना रहे हैं। तो वैकेंसी किसी को कुछ पता नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे तभी कुछ बात हो पाएगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि 2023 में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर 4 इयर्स में वैकेंसी आया है और 4 ईयर प्लस हो चुका है, और बहुत सारे हर जोन से रिटायरमेंट होने वाले हैं 23-24 में बहुत ज़्यादा। तो इससे सीट खाली होंगे और रिक्वायरमेंट तो करवाने ही पड़ेंगे। रेलवे बोर्ड ने भी ऑफिशियल नोटिस निकाला था कुछ दिन पहले कि सारे जितने भी आरआरबी बोर्ड है सब अपने अपने डिटेल भेजे कि कहाँ पे कितने सीट खाली है, तो उसके हिसाब से वो वैकेंसी क्रिएट करके पूरे डिटेल बना करके एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ सकता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2014 के बाद 2018 में वैकेंसी आया था, और 2018 के बाद 2023 या 24 में आना चाहिए, मैक्सिमम चांसेस है 23 में आना चाहिए वैकेंसी। तो हर 4 इयर्स में वैकेंसी को देखा गया है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि 2023 में वैकेंसी आ सकती है। और जो भी मतलब मेरे चैनल में कमेंट करते हैं कि वैकेंसी कब आएगा, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका वैकेंसी 100% है कि मतलब वैकेंसी तो आएंगे ही, लेकिन 2023 में एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसी आ सकता है, क्योंकि 4 ईयर प्लस हो चुका है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन करिए और वैकेंसी के वेट मत करिए, क्योंकि वैकेंसी तो आएंगे और आपका टाइम से एग्ज़ाम भी हो ही जाएगा 1-2 महीने में। तो आप अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, और इसके साथ साथ कुछ अदर एग्ज़ाम जो भी निकल रहे वो भी फॉर्म भरिए और उसका भी प्रिपरेशन करते रहिए, ताकि आपका प्रिपरेशन हर लेवल में अच्छा हो और कहीं ना कहीं आपका जॉब लग जाए। और एलपी का जब वैकेंसी आएगा तो उसको भी दीजिएगा, आपका ड्रीम जॉब है तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन करिए, और जब वैकेंसी आएंगे तो आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम निकालिए, आपका इजली हो जाएगा। देखा जाए तो आपका मतलब 4 इयर्स प्लस हो चुका है 2018 के बाद, तो काफ़ी मतलब जो भी रिटायरमेंट होने वाले हैं हर बोर्ड से, हर डिवीज़न से रिटायरमेंट बहुत सारे हो रहे हैं। मेरे डिवीज़न में, मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे में हूँ, तो यहाँ से भी काफ़ी रिटायरमेंट अभी हाल ही में देखा गया है, करीब 10-12 सीनियर मोस्ट लोको पायलट का रिटायरमेंट हुआ है, फिर अगले महीने और होंगे, ऐसे हर महीने रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब सीनियर मोस्ट लोको पायलट के रिटायरमेंट की वजह से सीटें खाली हो रही है, तो वैकेंसी तो क्रिएट हो ही रहा है, तो बस वैकेंसी आने का देरी है। तो इससे मैक्सिमम चांसेस है कि वैकेंसी जल्दी देखने को मिल सकता है 2023 में। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो भी एलपीओ टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, देखिए 2018 वाले वैकेंसी में जिन लोगों का भी स्टूडेंट का भी मतलब रह गया होगा कुछ नंबर्स है कैंडिडेट का, उन लोग इस बार 100% है कि उन लोग सिलेक्शन ले लेंगे, उन लोग का तैयारी और उन लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसा क्वेश्चन आया था, क्या आया था, कितना पढ़ना क्या और ज़रूरत है, तो उस हिसाब से वो अपना तैयारी कर लेंगे। और आप लोग मतलब आप लोग सोचते ही रहेंगे और उन लोग अपना सीट फाइनल कर लेंगे। तो कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि 2018 वाला वैकेंसी में ही आपका 1 करोड़ एग्ज़ाम दिए थे स्टूडेंट, और उसमें से मतलब हर बोर्ड में अलग अलग नंबर ऑफ सीट थे, तो उसके हिसाब से रेशियो बहुत ज़्यादा था, कंपटीशन बहुत टफ था पिछले बार ही, लेकिन नया सिलेबस होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट
मतलब नहीं हो पाया रिजल्ट, लेकिन इस बार मैक्सिमम चांस है कि जिनका कुछ नंबर्स रह गया होगा वो जरूर सिलेक्शन ले लेंगे। तो आप लोग अपना तैयारी को पूरा 100% बूस्ट करिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा आगे। और जो भी नए कैंडिडेट अभी अभी तैयारी स्टार्ट किए एलपी और टेक्नीशियन के, मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग पूरा टाइम टेबल के साथ तैयारी करिए, क्योंकि वैकेंसी आएंगे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और इसमें CBT 1 CBT 2 में पार्ट ए पार्ट बी फिर साइको एग्ज़ाम, ये इतने सारे स्टेजेस में एग्ज़ाम होंगे। अगर आप कोई भी स्टेजेस में एग्ज़ाम में बाहर हुए तो आपका वहीं जर्नी ख़त्म हो जाएगा, और वैकेंसी 4 साल बाद देखने को मिला है, तो फ्यूचर में कब आएंगे आप सोच सकते हैं। तो आप इस बार अपना 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो तैयारी पूरा 100% कर रही है, और एक दिन भी मतलब अपने आप को फ्री मत छोड़िए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपका नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा चांसेस होने का, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन होने का। तो आप अपना तैयारी को पूरा बूस्ट करिए, और जो भी नए एलपी कैंडिडेट मतलब जो भी नए कैंडिडेट है एलपी और टेक्नीशियन के, उन लोग बहुत अच्छा से तैयारी करिए। और आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करें, मैं आपका आंसर दूंगा। और अगर वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन कोई भी वीडियो बना रहे थे वो समझिए कि आपको पूरा 100% वो भी श्योर नहीं है कि वैकेंसी कब आएंगे, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी कंफर्म हो पाएगा। और मैं आपको और भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा अदर सब्जेक्ट का CBT 1 का, और फिर जाके आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ऑफलाइन पढ़ना है या ऑनलाइन या फिर कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट टू अवर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।